जो है वो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से वो बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं, ना सिर्फ पार्टी के लिए पर लोगों के हित में, जो मुद्दे जो भाजपा सरकार जिन चीज़ों पे लोगों को, जो गैस के दाम हो, महंगाई जिस तरीके से आसमान छू रही है, तो ये सारे मुद्दे जो है वो महिलाओं से रिलेटेड है। और महिला कांग्रेस और पूरे जितने भी महिलाएं कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, उन्होंने ठान लिया है कि इस बार चुनाव में भाजपा के जो गलत नीतियां हैं उसके चलते उनको सत्ता से हटाने का काम करना है। आज कार्यकारिणी की बैठक है महिला की, किस तरह के दिशा निर्देश जाने देने जा रही हैं आप? भाई साहब, आज बिल्कुल सही कहा आपने कि कांग्रेस, महिला कांग्रेस के जो हिमाचल प्रदेश के जो महिलाएं जो संगठन में काम कर रहे हैं, जो विभिन्न पदों पे हैं, कार्यकारिणी की बैठक है। इस बैठक में हम लोग जो संगठनिक बातें हैं, जो हमें काम करना है, उस पर चर्चाएं होगी। मैं अपने प्रेस के भाइयों से निवेदन करूंगी और बहनों से भी निवेदन करूंगी कि जो संगठन की बातें हैं वो यहाँ पे मैं नहीं चाहूंगी कि वो आपसे मैं डिस्कस करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं संगठन की बातें संगठन में ही रहना है, मैं यहाँ रहना चाहिए। मैं अपने जो संगठन की जो बहनें हैं जो दिन रात काम करते हैं पार्टी के लिए, उनके साथ बातचीत करना है। कितना अहम रोल रहने वाला है मैम महिलाओं का, खासतौर पर चुनाव की अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में? देखिए, महिलाओं का जो भूमिका अगर आप देखें, खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में, मैं अगर मैं ये कहूँ तो बिल्कुल बुरा मत मानिए हिमाचल प्रदेश के भाई लोग, आपको भी पता है कि महिलाएं जो हैं वो सही मायने में घर हो, बाहर हो, खेतों में हो, जिस तरीके से महिलाएं काम कर रहे हैं। और मुझे हिमाचल प्रदेश की जो हमारी बहनें हैं उन पे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से वो जिस निष्ठा से अपने घर अपने परिवार को संभालती है, उसी निष्ठा से कांग्रेस पार्टी को भी संभालने का काम करेंगे। अब देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं तो वो उठ नहीं पा रहे हैं, क्या बताएगी कांग्रेस उन मुद्दों को उस तरह से उठा नहीं पा रही जिस तरह से उठाए जाना भाई साहब? चाहिए? कांग्रेस तो मुद्दा उठा रही है, पर जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक भूमिका होनी चाहिए मीडिया की, आप मुझे ये बताइए, अगर मैं बहुत सारी कड़वी बातें करूंगी, जो सच्चाई है, क्या मीडिया वो दिखाती है? लोकल मीडिया दिखा लेती है, पर कहीं ना कहीं जो बड़े मीडिया हाउसेस है वो डरते हैं, क्योंकि जैसे ही आप रिपोर्टर्स भी सच्चाई लेके जाते हैं उनके पास, कहीं ना कहीं वो न्यूज चल नहीं पाता है, क्योंकि आप पे भी प्रेशर होता है और आपके जो वरिष्ठ ऊपर बैठे हैं वो इन चीजों को नहीं दिखाती है जो भाजपा के विरोध में कुछ है। तो सच्चाई ये है कि महिलाएं, कांग्रेस पार्टी, महिला कांग्रेस, कांग्रेस का पूरा नेतृत्व, यूथ कांग्रेस, NSUI, सभी फ्रंटल विंग्स कांग्रेस पार्टी के जिस मुद्दों को उठाना चाहिए, जो लोगों के मुद्दे हैं, वो मुद्दे उठाते थे, उठाते हैं और आगे भी चल के उठाते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी सत्ता के लालच में कोई काम नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनता के हित की बात की है, जनता के हित में फैसले लिए हैं और आगे भी यही हमारी भूमिका रहेगी। मंदिर और मस्जिद को लेकर जिस तरह से लड़ाई चल रही है, किस तरह से देखती हैं आप? मैं बात पूछूंगी गैस सिलेंडर के दामों की, मैं बात पूछूंगी डीजल पेट्रोल के दामों की, मैं बात पूछूंगी महंगाई की, ये क्या मंदिर मस्जिद लेके आ रहे हैं बीच में? मंदिर और मस्जिद जो है, जनता भी जग रही है, जनता भी समझ रही है आज कि मंदिर और मस्जिद के नाम पे किस तरीके से ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं। जनता, मुझे पूरा विश्वास है, जो जो हमारी जो भोली भाली जनता वो अब जग चुकी है और ऐसे बहकावे में नहीं आएंगे। मंदिर हो या मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, हर जगह हमारे लिए उतना ही रिस्पेक्टफुल है और हमारे देश के लोग शांति चाहते हैं और शांति के माहौल में जीने का अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता है। मैडम, चुनावी वर्ष है, बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है, बड़े नेता जो है हिमाचल का रुख कर रहे हैं, आप तो पहली ऐसी नेता हैं जो कांग्रेस की तरफ से आई हैं, तो क्या उम्मीद करें आने वाले वक्त में
राहुल जी सोनिया गांधी जी हिमाचल प्रदेश में आएंगे चुनावी के लिए? देखिए मैं अगर बात एक कहूं कि जो जो सरकार सत्ता में है यहाँ पे, उनको इतने बड़े बड़े नेताओं लाने की क्या जरूरत है? शायद कहीं 4 सालों में उन्होंने कुछ किया नहीं है देश के लोगों के लिए। अब कुछ ही दिन पहले ऐसे कुछ नीतियां निकाल के लेके आ रहे हैं, 4 साल क्या वो सो रहे थे? 4 सालों में उनको नहीं पता था कि महिलाओं को किन चीजों की जरूरत है? 4 सालों में वो भ्रष्टाचार में लिपटे हुए थे, यहां तक कि कोरोना के समय पे भी मंत्री जी ने सैनिटाइजर्स और मास्क और पीपी किट्स के भ्रष्टाचार किया है, वो जेल में क्यों नहीं है? और बात रही सीनियर लीडरशिप की कांग्रेस की, सीनियर लीडरशिप कांग्रेस की हमेशा लोगों के बीच रहती है, वो चुनाव का समय हो या ना हो, हमारे कांग्रेस के जो वर्कर्स है और लोगों से हमेशा मुलाकातें लेती है। मैम भाजपा कह रही है कि वो मिशन रिपीट यहाँ पर करेंगे और आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी जो सीधी लड़ाई है भाजपा से, तो कांग्रेस उनको दिखाई नहीं दे रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा का बी पार्टी है, इसलिए वो शायद इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। पर मुझे विश्वास है हिमाचल प्रदेश के जनता पे, हिमाचल प्रदेश के लोगों पे, कि वो इनकी जो आम आदमी पार्टी की जो मंशा है उसको खूब समझ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में तो कभी खालिस्तान वाली बातें कभी नहीं हुई, हिमाचल प्रदेश तो एकदम शांत वाले प्रदेश है, हिमाचल के जो हमारे भाई बहन जो है वो शांति प्रिय है, और जिस तरीके से दिल्ली में उन्होंने आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली में सत्ता नहीं चला सकते हैं, वो हिमाचल प्रदेश में लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। आज ही के दिन आम आदमी पार्टी का पंजाब में बहुत बड़ा भ्रष्ट नेता पकड़ा गया करप्शन करते हुए, सत्ता मिला उनको 2 महीने नहीं हुआ है, और भ्रष्टाचार में पंजाब में अभी से ही लिप्त है वहां के मंत्री। तो पंजाब हिमाचल प्रदेश सही रास्ते पे चलेगा, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की तो मिशन रिपीट को किस तरह से देखते हैं? मौजूदा सरकार के लिए मिशन रिपीट करेंगे और 31 मई को नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मोदी जी को आने की इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि मोदी को पता है कि मिशन रिपीट हो नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं वो यहाँ पे दोबारा आके लोगों को बहकलाने का कोशिश करेगा, ऐसे कोई बातें करने की कोशिश करेगा जो लोगों को डिवाइड करने की कोशिश करेगा। और अब जनता इनके ढोंग, इनके जो गलत जो बहकावे में नहीं पड़ने वाली है। महिलाओं को टिकट सुनिश्चित की जाएंगी मैम हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि चुनाव नजदीकी है? देखिए अगर आप महिलाओं की बात करें और अगर आप महिलाओं की बात करें और कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करने का काम किया है। अगर आप लोकल बॉडी इलेक्शन में आज देखें 50% जो महिलाएं हैं वो कहां से और क्यों आए हैं, क्योंकि 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो राजीव गांधी जी लेके आए जहां पे 33% रिजर्वेशन लोकल बॉडीज पे दिया, और उसके बाद 74th अमेंडमेंट एक्ट जो सोनिया जी यूपीए 2 गवर्नमेंट में लेके आए जहां पे 50% रिजर्वेशन महिलाओं को लोकल बॉडीज में मिल रहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी का पूरा निष्ठा महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की ओर के कदम है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश में भी जो महिलाएं लड़के जीत सकते हैं, हमारी वो बहनें जो ग्रास रूट से जुड़े हैं, जो लोगों से जुड़े हुए हैं, उनको एक मौका जरूर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।